नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं खबर भारत न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। बालाघाट शहर से लगा सघन वन क्षेत्र डेंजर रोड पर बाईपास का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, जिसमें इन सड़कों के दोनों ओर से लगभग 700 हरे भरे पेड़ कटेंगे, जो बाईपास शहर के बाहर से होते हुए सीधा गोंदिया मार्ग पर जुड़ जाएंगे। तो वहीं पेड़ काटने के विरोध में सेव रिवर फाउंडेशन बालाघाट द्वारा प्रदर्शन कर प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वालों को सद्बुद्धि यज्ञ कर विरोध जताया गया। राहुल सिंह बैस, क्या है पंजाब सेव रिवर फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। बताएंगे आज यहां विरोध किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? ये बालाघाट शहर से लगा हुआ नदी के किनारे में बहुत ही खूबसूरत एक प्राकृतिक जो नज़ारा है, जिसको हम लोग डेंजर रोड से के नाम से जानते हैं, ये कई सालों से यहाँ पे भ्रमण करने के लिए सुबह शाम के लिए बालाघाट शहर को एक सौगात है, जिससे शुद्ध हवा लोगों को प्राप्त होती है। उसको ये यहाँ पे उसको बाईपास बना के ये इस रोड को यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य को खराब किया जा रहा है। हम प्रशासन को होश में लाना चाहते हैं, इसी के तहत आज हम यहाँ पे एक सद्बुद्धि यज्ञ भी कर रहे हैं इस रोड के ऊपर, जिसमें प्रशासन को, जिला प्रशासन को और जनप्रतिनिधियों को सद्बुद्धि के लिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। किसने अनुमति दिया यहाँ पेड़ काटने की? पेड़ काटने की अनुमति यहाँ फॉरेस्ट विभाग ने दी है। जैसा कि हमारे को समझ में आ रहा है कि अगर यहाँ से अगर बाईपास बनता भी है तो यहाँ पे जो अंडर ब्रिज है उससे भारी वाहन नहीं निकल पाएंगे। रोड में सक्रिय है और इतने मोड़ हैं कि यहाँ से भारी वाहन नहीं निकल पाएंगे। इसका एक विकल्प होना चाहिए कि वैनगंगा नदी पर जाकपुर घाट के पास एक ब्रिज बनाया जाए और इसको रोड को रेंगाटोला होते हुए वहाँ पे चौड़ीकरण करते हुए उसको लालबरा रोड से जोड़ा जाए। इसके पहले भी एक विरोध प्रदर्शन देखने गया था, लेकिन वो चेहरे नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसा कोई उनका प्रेम खत्म हो गया? प्रकृति से प्रेम देखिए बालाघाट वालों को बहुत है, और जैसा कि हम लोग यहाँ सुबह शाम जब भ्रमण करने आते हैं तो सैकड़ों हजारों लोग आते हैं और सभी का मत है कि यहाँ पे नहीं बनना चाहिए, लेकिन जो चेहरे हैं जो राजनीतिक रूप से यहाँ पे अपना स्वार्थ सिद्ध करने आते हैं वो प्रकृति के प्रेमी नहीं है, वो अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के कारण आते हैं। आज वो पता नहीं किस दबाववश आज हमारा साथ नहीं दे रहे हैं या प्रकृति के से उनका मोह भंग हो गया। मॉर्निंग वॉक पे तो मैं भी आता हूँ, लेकिन यहाँ तो इतने लोग खड़े हैं, ये कभी नहीं दिखे, आप भी नहीं दिखे मुझे। मैं सैकड़ों हजारों लोग की बात कर रहे हैं, यहाँ तो 25 से 30 लोग ही दिखते बस जो मैं आता हूँ अगर तो। नहीं नहीं, आप सुबह आइए, सुबह और शाम कम से कम सैकड़ों लोग आते हैं। सुबह 4-5 बजे से यहाँ पे जनता आती है। मैं रोज यहाँ पे रेंजर कॉलेज से होते हुए यहाँ से रोज गुजरता हूँ। कितने पेड़ कट रहे हैं यहाँ पे? करीब 700 पेड़ काटने की अनुमति दी गई है, तो मुझे नहीं लगता कि 700 होगा, ये कागजों पर अनुमति दी गई है, इससे भी ज्यादा पेड़ कटेंगे और जो यहाँ का सौंदर्य खराब होगा, जो यहाँ पे ट्रैफिक आएगा उस वजह से यहाँ पे लोग घूम नहीं पाएंगे फिर सुबह शाम। क्या नाम है आपका? राहुल सिंह बैस। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खबर भारत न्यूज, सच्चाई का दर्पण।